रही है मुकर लिपापोती, मैं भी सोचूं कुछ करवा लूं उससे। मन्ने भी चमका दे, अकेले अकेले करती रहती है, कुछ कुछ लगाती रहती है, जब देखो अकेले रहेगी। हेलो जी, राम राम। और कैसे हो सब लोग? आशा करते हुए अच्छे हो गए, अच्छे रहना, स्वस्थ रहना। तो भैया आज का मेरा ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, और मेरा काम हो गया सारा भी, मैंने सारा काम निपटा लिया है आज, जल्दी काम निपट गया मेरा। 9:30 हुए हैं तो बहुत जल्दी काम निपटा दिया, थोड़ी जल्दी उठ गई थी। झाड़ू पोछा भी हो गया है और मेरी खाना वाना भी बन गया है, किचन विचन सब क्लीन हो गई है। और भैया वह आ तो सर दूँगी, बड़ी खुजली आ रही है सर में, बहुत ज़्यादा, पता नहीं डैंड्रफ हो रही हो सके हो रही हो सर, वो इतनी खुजली आ रही सर बहुत ज़्यादा। आप लोगों को भी आती है कि भाई पता नहीं, मेरे तो बाल भी बहुत ज़्यादा उतरते हैं। और यहाँ देखते हैं, अभी चलते हैं किचन में, अरे मानसी लग रही है, किस चीज़ का लग रही है, कुछ बना रही है क्या, लगा रही है मुँह का लिपा पोती, मैं भी सोचूँ कुछ करवा लूँ उससे। क्या कर रही है लाडो? क्या लग रही है? एलोवेरा काट रही हूँ। क्या कर रही है एलोवेरा का? मुँह पे लगाऊंगी, बहुत दिन हो गए मुँह पे नहीं लगाया, काफ़ी ड्राई ड्राई सा फेस लग रहा था। ये तो भैया कुछ न कुछ करती रहती है, कदे मुँह को लगा लिया, कदे बाड़ा में लगा लिया। तो मेरे बिल आज बता दे को, डैंड्रफ को खुजली आ रही है, लाओ काट कर रही आपकी बेलो मेरा लगा देती हूँ। जो बाल भी जो कह रही थी ना मेरे रफ हो रहे हैं, खुजली आ रही है, तो दही में थोड़ा सा एलोवेरा मिला के फिर लगा देती हूँ। आएगा आराम? हाँ बिल्कुल आएगा, इतने बढ़िया बाल हो जाएंगे। देखो गाइस मैं बहुत सारे एलोवेरा तोड़ लाई थी ऊपर से, तो आज मैं लगानी है तो बनाऊंगी। कितनी देर रखना होगा? 1 घंटा। तो आज भाई मन सर भी धोना है, तो भाई इससे तेल नहीं लगा रखा ना बालों में, तेल नहीं लगा रखा है, 2-3 दिन पहले धोया था मैंने सर, और आज खुजली के चक्कर में जल्दी जल्दी धोना पड़ा भाई, खुजली आने लग जाती है तो, और वैसे भी पसीना आ जाता है, तो सर भी धोना है। में कुछ पसीने से भी डैंड्रफ वगैरह जल्दी होती है, क्योंकि मिट्टी होती है और पसीना फिर मिट्टी हमारे बालों में चली जाती है। और वैसे एलोवेरा के फायदे भी बहुत होते हैं भाई, बाल भी लगा सकते हो, मुँह पर लगा लो, मुँह पर लगा लो, खा भी लो, कुछ भी कर लो, एलोवेरा देसी इलाज है। चल तो मेरे भी लगा दे भी, मेरे बना लिए, मेरे भी बहुत ज़्यादा खुजली हो रही बड़ा दिखा, थोड़ा डैंड्रफ भी चला जाएगा, क्या डैंड्रफ हो रहा है शायद, मुझे ऐसे लग रहा है डैंड्रफ हो रहा है मेरा। सिर्फ बालों बालों में लगाना ना या मुंह पे भी थोड़ी बहुत? ना मैं तो बिल्कुल वैसे ही हूँ बिना सदा बार। क्या कह रहे? मैं तो सुंदर हूँ सदा बार हूँ, मुझे कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। मैं तो मैंने तो जो भगवान ने दे दिया नाक नक्शा, जो भी कलर स्कीन जैसी भी है बहुत अच्छी है, और तो मैं स्किन कलर थोड़ी चेंज होते हैं बस, आपका थोड़ा सा टेक्सचर जो होता है वो थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है। नहीं मुझे कुछ नहीं लगाना मुँह का, बस मेरे बाड़ा बाड़ा को इलाज कर दे मेरे बाल। लगा लो लगा लो, फिर बाद में ये मत बोलना कि बेटी कुछ लगाती नहीं, अपने अपने लगाती रहती। देख लो गाइस मैं तो लगा रही हूँ। लगाती तो नहीं है, इसने पूछा भी नहीं है, रसोई में लग रही थी, मैंने देख लिया वो या क्या कर रही है, कुछ अटरम सटरम में लग रही है ये, किचन में जब भी आती है अपने लिए कुछ बना। ओ ओ कह रही किचन में जब भी आती है आप दोगी भाई साहब अपने लिए। कुछ बनाना होगा ना अपने लिए, जब भी घुसती है किचन में, नहीं सुबह सुबह ऐसे तो नहीं घुसा, जब सब कुछ बनाने को इसको नहीं, खाना खुना बनाने को ये उठती नहीं है, ये सोचती है कि मम्मी करती रहोगी, सही है छुट्टी है। कोई नहीं। और वही मैं आपको बैक से दिखा रही हूँ, बैक कैमरे से, वैसे पता नहीं चल रहा है कैसे कैसे कर रही है, क्या अच्छी लेवल कर रही है, तो दिखाती है कैसे बनाएगी। तो ये देखो भाई लगी हुई है, ये एलोवेरा तोड़ ली है, वैसे हमारे छत पे बहुत सारे हो रहे हैं एलोवेरा, इस बार तो बहुत ज्यादा हो गए, इतनी सारी तोड़ रहे हैं। कुछ मम्मी के बालों में लगा लूंगी और कुछ मैं इसको फ्रिज में डाल के भाई स्टोर भी कर लूंगी, क्योंकि एलोवेरा खराब नहीं होती इसके। मैंने देखो एलोवेरा लाई, एलोवेरा को तोड़ के धो लिया अच्छे से, फिर इसमें जो येलो येलो पार्ट होता है वो मैंने दिया भाई निकाल। अब मैं क्या करूंगी, मैं इसको ऐसे काट लेती हूँ और इसको इस तरीके से ऐसे ऐसे करके देख रहे हो। अच्छा ये अंदर का ये इसका पल निकाल लिए, पल नहीं पल्प होता है वो, मुझे नहीं आते भाई नाम, मैं तो ऐसी हूँ देसी लुगाई। तो देसी लुगाई किसी से कम होती है क्या? ना और देसी लुगाई जितने पढ़ी लिखे हैं उन सबको पीछे कर देंगी। ये पल्प पल्प मुझे नहीं आते भाई। मैं तो जो मर्जी मुँह आता वही बोल देती हूँ ऐसे। और भाई एलोवेरा बहुत अच्छा होता है बालों के लिए भाई, चाहे बालों पर लगा लो चाहे मुँह पर लगा लो, जितने भी रूखा सूखा होता है ना वो। आ तो ईमान से अपना चेहरा चमका होगी अच्छे से, मेरे बाल भी चमका देगी वैसे तो। बिल्कुल एक नंबर बना दूंगी आपको, एक नंबर। हाँ एक नंबर बना, मैं तो हूँ ही एक नंबर।
गाइस थोड़ी सी क्या तारीफ कर दी, मम्मी तो मेरी बिल्कुल बढ़ाने की जरूरत नहीं है, हल्का सा बोल दो बस। फिर तो गाइस देखो ये सारा निकाल ले, निकालने के बाद इसको मिक्सी में पीस लूंगी और फिर दही मिलाएगी क्या? और फिर आपको आप बालों में लगाओगे ना तो बालों में आप जितनी आपकी लेंथ है ना तो उस लेंथ के अकॉर्डिंग आपके बालों में मैं एलोवेरा डाल दूंगी। ठीक है, जितनी भी आपकी लेंथ है, जितने आपके बाल है, घने लेंथ का क्या मतलब है? लेंथ मतलब कि कितने लंबे है या फिर किनी किनी को कितना मतलब कितना करना है ऐसे बोलना। हाँ मतलब वही समझ गए लोग। अच्छा, और फिर मेरे को मुंह पे लगाना है तो मैं दही में नहीं मिलाऊंगी, इसी की ही क्या करूंगी थोड़ा सा मुंह पे लगा लूंगी जितना मुझे लगाना है, और बाकी की क्या करूंगी जो आइस क्यूब आती है ना, नहीं यानी जो बर्फ वाली जो ट्रे आती है। हाँ, एक दो बार पहले भी करके रखा है इसने। हाँ, उसमें डाल के रख दूंगी बर्फ जमा दे कि कम से कम आपका 1 से 2 हफ्ते चल जाता है, और आप उसको अपना जब भी नहाना हो जब भी आपको लगानी हो तो उसको फ्रिज में रख दो और फिर एक आइस क्यूब निकाल के उसको अपने फेस पे मसाज करो। गाइस इससे ना आपको दो दो चीजों के फायदे मिलेंगे। पूछो क्या क्या? अरे पूछो क्या क्या बता, क्या फायदे मिलेंगे मैं पूछ लूं? एक तो एलोवेरा से हाइड्रेशन मिलता है, जो भी रूखापन होता है ना वो खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, और दूसरी हम इसको बर्फ के फॉर्म में जमाएंगे ना। अच्छा, तो उससे हमारे जो जो काले धब्बे होते हैं ना, नाक पे ब्लैक हेड कहते हैं जिनको। अच्छा, जिनको ओपन पोर कहते हैं, नाक के पास कई बार खुले खुले दाने से नहीं दिखते हैं। अच्छा, तो उससे ना वो बंद हो जाएंगे। जो बड़ी बड़ी हीरोइनें होती है ना यही मसाज अपनाती है। अच्छा, तो फिर तो ऐसे ऐसे कर लेती पार्लर तू का खोल लेना एक। पार्लर तो नहीं भाई, ज्यादा झमेला हो जाएगा। जो तुझे इतनी जानकारी है तो तू पार्लर को ले। देखो भाई इतना कितना निकाल लिया पल्प, पल्प है क्या? हाँ, इस बार तो सही बोल गई मैं। कोई नहीं, बोल सीख जाऊंगी धीरे धीरे, वैसे बहुत कुछ सीखती। देख लो हो गया क्या? हाँ हो गया। करे कंगी अब? कंगी करे ही मैं। देख लिया एलोवेरा, ये मैं अपना फ्रिज में जमा लूंगी और इसमें डाल दिया भाई। देख ये लो, पीस लिया उसे दही। देख लो कैसा हो गया एलोवेरा से, बिल्कुल इसमें एलोवेरा डाल दिया, दही डाल दिया, और भी कुछ डालेगी? नहीं और कुछ नहीं। अगर आपके पास विटामिन ई की कैप्सूल रखी है ना तो उस कैप्सूल को भी डाल सकते हो। देखो एलोवेरा डालने के बाद दही का कितना वो ऐसा लग रहा है, बिल्कुल क्रीमी है। कंडीशनर वाली क्रीम नहीं आती है, कंडीशनर हो गया, कंडीशनर ही है। एक तरीके का हेयर मास्क लगा लो जिससे आपके बालों को नरिशमेंट मिलेगा। सुबह मैंने अपनी पोजीशन ले ली अच्छे से, मैं ऊपर कुर्सी पे चढ़ के बैठ गई। मम्मी कहती खुद तो ऊपर चढ़ गई, मुझे नीचे बिठा दिया। अब मैं क्या करूँगी गाइस, बालों में अच्छे से कंघी करके बालों को हाफ पार्टीशन कर दूंगी, और फिर जो मैंने ये दही का और एलोवेरा का जो मिक्सचर बनाया है इसको अच्छे से जड़ों में लगा के पूरे बालों की रूट से लेके लेंथ तक पूरे अच्छे से मसाज कर दूंगी, जिससे जो भी हमारा मिक्सचर है वो अच्छे से जड़ों में चले जाए और एलोवेरा के जो फ़ायदे हैं वो अच्छे से जड़ों में चले जाए। मम्मी कहती थी एक थोड़ा सा डैंड्रफ भी हो रहा है, मैंने बोला मम्मी आपके थोड़ा सा डैंड्रफ भी हो रहा है। तो दही से क्या होता है गाइस, डैंड्रफ भी खत्म हो जाता है, तो दही से आपका डैंड्रफ भी खत्म हो जाएगा। और इसमें मैंने एलोवेरा डाली है तो एलोवेरा से जो आपके रूखे सूखे बाल हैं उनमें भी थोड़ा हाइड्रेशन प्रोवाइड हो जाएगा। तो मैं देखो इसको मम्मी को ऐसे हाफ पार्ट करके इसको अच्छे से लगा लूँगी जड़ों से लेकर नीचे तक। देख लो भाई गाइस, मैंने मम्मी का पूरे बाल मेरे बाल खराब हो गए हैं, तो मेरे को अभी भाई ये लगाओ मेरे बालों में लग जाएंगे। वही मैंने एक तरह से मम्मी को दे दिया, मैं अंदर जाके दूसरा ले लूँगी। और देख लो भाई पूरे बालों में लगा दिया अच्छे से, एक नंबर का बाल। देखते हैं भैया एक नंबर के होगा, दो नंबर का होगा, कुछ तो बेटर हो ही नहीं। अब हफ्ते में मतलब 15 दिन में पूछड़ी तो लगाई को तने लगा दी मिस्टेक करा भाई। सॉरी ऐसे छोड़ गई पिछड़ी, सुना देख ये पिछड़ी छोड़ गई। कोई नहीं, काम अभी तो हो जाएंगे ना, ये पूरे हो जाएंगे। और ये आज तो हो गया ना, फिर मेरे से काम करे नीचे से ना थोड़े से इतने इतने से बाल कटवा देना। जो ये पूछड़ी सी बच रही है ना ये थोड़े से सही हो जाएंगे, तो फिर नीचे से झाड़ू जैसे ना वो नहीं रहेंगे। चमक जाऊंगी आज तो मैं एकदम। चलो देखना, देखो 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 देख लो भाई। कौन सुंदर है बताना, मैं सुंदर हूँ? देख लो गाइस कमेंट करो, देख लो कौन सुंदर है कमेंट करो, कौन सुंदर है। देख इसके बाल तो अच्छे ठीक है ना, ये लगाती रहती है कुछ कुछ, मैं लगाती नहीं हूँ। तो देख लो नीचे करो ना, देखो पूरा अच्छे से नीचे जड़ों में अच्छे से मालिश करके अच्छे से लगा दी ताकि जड़ों जड़ों में पहुँच जाए, एक बार में चमक जाओ आप। अच्छा जी चमका दिया तो, सॉरी क्या कर रही हूँ नीचे खड़ी खड़ी पोछा लगा रही हूँ।
मैं देख रही हूँ हिले जा रही है, हिले जा रही है, पोछा लगाया डर दोबारा गिरा दिया इसने, तो ये साफ कर रही हूँ मैं तो। चलो ठीक है, जब एक डेढ़ घंटा हो जाए तब धो लेना, और फिर जब बाल सूख जाए ना तब मुझे बता देना, मैं नीचे से इतने इतने से बाल काट दूँगी। बाल भी काटा यार, तो ये फिर जुड़ो कौन पड़ा मेरे। नहीं नहीं ज़्यादा नहीं, से दो इंच ही काटूंगी बस।